एंड ये जो स्प्रॉकेट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, ब्रेम्बो के कैलिपर इस्तेमाल किए गए हैं। एंड ये 320 mm का इसमें डिस्क रोटर मिलता है। एक शौकिया पर्पज पे बनी हुई व्हीकल है और इसके लिए कोई भी प्राइसिंग मैटर नहीं करती बुलेटर कस्टम्स ने। तो देख सकते हो यहाँ पे आप इसे पूरा कैफे रेसर बना रखा है और इतना ह्यूमंगस इसके अंदर टायर है। टायर साइज इस्तेमाल किया हुआ है मिशेलिन का 190/55 17 इंच का टायर इस्तेमाल किया, एकदम पूरा फुल्ली रेसिंग टायर इस्तेमाल किया है जो आपके सुपर बाइक में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने इतनी सारी हार्ले डेविडसन X440 देखी होगी बट ऐसी आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। तो भाई ये देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना उसका एक नाम ही लिया गया है, बाकी ओवरऑल जितनी भी व्हीकल है सारी की सारी टोटली चेंज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सबसे पहले तो आप टैंक पूरा चेंज है, यहाँ पे हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है एंड ये टैंक का पूरा सब कुछ क्योंकि ये राजपूताना कस्टम्स ने बना रखी है। तो ये इंजन वही इस्तेमाल किया गया बट इसके अंदर मैं ट्यूनिंग कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट है वो टोटली चेंज है। एंड ये जो स्प्रॉकेट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग के लिए बनी है एंड यहाँ पे नॉबी टायर्स आप देख सकते हो। एंड ये शोवा का सस्पेंशन इसके अंदर मैं यूज किया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको रिबाउंड एंड कंप्रेशन दोनों का पूरा प्रोविजन देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर मैं आपको 4-piston मोनोब्लॉक ब्रेम्बो के कैलिपर इस्तेमाल किए गए हैं एंड ये 320 mm का इसमें डिस्क रोटर मिलता है एंड यहाँ पे आपको स्पोक व्हील देखने को मिलता है। तो ये ट्यूब टायर है क्योंकि भाई ये पूरी की पूरी फुल्ली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए बनाई गई है। एंड ये इससे आप ना कुछ एस्थेटिकली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये रोड पे चलेगी, ये फुल्ली मड में चलने के लिए बनी गई है। यहाँ पे आपको एक्स की बैजिंग देखने को मिलती है जो राजपूताना कस्टम्स ने जो काम किया ना भाई वो एक काम के पैसे ले रखे हैं उन्होंने और टॉप नॉच क्वालिटी है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर में 19 RCS ब्रेम्बो के कैलिपर्स लिवर्स दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसमें ऑफ रोडिंग वाले एक्सेलेटर दे रखे हैं। कोई भी मीटर कंसोल इसमें देखने को नहीं मिलता, ये आपको छोटा सा IBM का मास्टर सिलेंडर देखने को मिलता है और ये आपको यहाँ पे मिलता है सेल्फ का बटन। ये राजपूताना कस्टम्स का साइन है, जैसे कि आपको पता ही है कि भाई वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स बना रखी है क्योंकि कस्टमाइजेशन के लिए पूरे की पूरी फेमस है वो। तो इस व्हीकल का क्या प्राइस है क्या है वो तो मैं सारी डिटेल आपको नहीं दे सकता इसलिए क्योंकि ये एक शौकिया पर्पज पे बनी हुई व्हीकल है और इसके लिए कोई भी प्राइसिंग मैटर नहीं करती, वो आप राजपूताना कस्टम्स के वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड ये देखो इसका एग्जॉस्ट, तो कोशिश करूंगा अगर मैं इसे सुना पाया तो यहाँ पे आपको पूरे ऑफ रोडिंग फुटपैक सेट मिलते हैं, फुटपैक ही आपको यहाँ पे ब्रेक पैडल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे रिबन कोटिंग कर रखी है और ये पीछे जो आपको सस्पेंशन मिलता है वो एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। अगेन पीछे रियर भी ब्रेम्बो का कैलिपर देखने को मिलते हैं एंड व्हाट आई बिलीव कि जो रियर डिस्क है वो 380 mm का डिस्क है एंड ये नॉबी टायर्स आते हैं और इसकी जो साइज की अगर मैं बात करूँ ये ट्यूबलेस है, सॉरी मैंने वो कहा था कि वो ट्यूबलेस नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ क्योंकि इसमें टायर ट्यूबलेस लगा हुआ है बट ये ट्यूब रिम में नहीं बन सकता या फिर बना भी दिया होगा तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। बट इसकी जो साइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो मैं देख नहीं पा रहा बट यहाँ से देखिए बता सकता हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो टायर साइज़ है वो डिफरेंट है, अभी दिख नहीं रहा मेरे को बट यहाँ पे जो चेन सेट है वो बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ पे पूरा स्विंग आर्म वगैरह सब टोटली चेंज है। ये ओलिंस के सस्पेंशन व्हाट आई बिलीव यही है जिसमें कंप्रेशन रिबाउंड दोनों एडजस्टेबल है। ये सीट इसमें नाम के लिए मिलता है क्योंकि भाई ये पूरी की पूरी फुल्ली मड में चलाने के लिए बनी है। तो कैसे लगी आपको ये व्हीकल आप जरूर बताना, एक्स की बैजिंग देखने को मिलती है यहाँ पे एंड पूरा का पूरा जो व्हीकल है ना उसके अंदर हमें कुछ भी X440 जैसा नहीं है, टोटली चेंज है। सिर्फ और सिर्फ इंजन को इस्तेमाल किया गया है और उसका नाम इस्तेमाल किया गया, बाकी पूरी की पूरी फुल्ली ये डिफरेंट है। और ये देख सकते हो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इवन इसके अंदर में आपको साइड स्टैंड भी देखने को नहीं मिला है, पूरा पैडॉक पे लगा हुआ है, ये कितने ज़्यादा नॉबी टायर्स हैं। तो अगर किसी को कस्टमाइजेशन करवानी है तो वो राजपूताना कस्टम्स की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी क्योंकि इसकी प्राइसिंग वगैरह कुछ भी यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। वही अगर हम साथ के साथ हम देखें तो ये IBW में जो जीती है व्हीकल वो व्हीकल है जो कि इसे डिज़ाइन किया हुआ है बुलेटर कस्टम्स ने। तो देख सकते हो यहाँ पे आप इसे पूरा कैफे रेसर बना रखा है और इतना ह्यूमंगस इसके अंदर टायर है। जो फ्रंट टायर सेक्शन की बात करो तो 120/70/17 mm का इसमें जो ट्यूबलेस टायर देखने को मिला और ये पूरा का पूरा आपको रोड टायर देखने को मिलता है। जो इसका डिस्क कैलिपर है वो वही हार्ली डेविडसन X440 वाला इस्तेमाल किया, कैलिपर रोटर भी वही इस्तेमाल किया, जो सस्पेंशन है
वो भी व्हाट आई बिलीव कि वही इस्तेमाल किए गए हैं। तो ज़्यादातर इसको रोड कंपैटिबल के लिए बनाया गया ताकि आप इसे चला सको। एंड यहाँ पे जो टैंक है उसके अंदर में अमेरिकन फ्लैग पूरा का पूरा इम्बोज कर रखा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये क्रोम फिनिशिंग में देख सकते हो आप, यहाँ पे वही सेम इसका जो मीटर कंसोल है वही कर रखा है। और ये IBW में ये जीत के आई थी ये व्हीकल, क्यों? क्योंकि ये कस्टम बिल्ड्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और इसके टक्कर में कोई भी व्हीकल नहीं थी। इसका जो एग्जॉस्ट है वो देखो भाई, इसकी आवाज़ में सुना नहीं सकता बट मुझे बहुत पर्सनली फेवरेट लगा इसका जो डिज़ाइन है। वही अगेन रैप हो रखा है, इंजन वगैरह स्पेक्स वगैरह वही सबको आपको वही मिलेंगे क्योंकि इसके इंजन स्पेक्स में कुछ छेड़खानी नहीं कर रखी। एंड ये विजुअली जो फिजिकली है वो छेड़छाड़ कर रखी है, फुल्ली बॉबर बनी हुई है, हार्ली डेविडसन मोटर कंपनी लिखा हुआ है। और इसके अंदर में रियर कोई बैठने के लिए है नहीं, तो उसका कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे सीट मिलता है, अगेन कस्टम सीट मिलते हैं। एंड जो टायर है भाई वो टायर टोटली चेंज है, और क्या ही बताऊँ मैं, क्या खतरनाक मैसिव टायर है। तो इसके अंदर में जो टायर साइज इस्तेमाल किया हुआ है मिशेलिन का 190/55 17 इंच का टायर इस्तेमाल किया है, एकदम पूरा फुल्ली रेसिंग टायर इस्तेमाल किए हैं जो आपके सुपर बाइक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिलता है छोटा सा, जिसपे अगेन कस्टमाइज कर रखा है हार्ली डेविडसन का बुलेट कस्टम्स। और ये आपको सस्पेंशन रियर देखने को मिलते हैं, फुटपैक्स वगैरह, तो ये कुछ इसके इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। तो ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इसमें साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलता है क्योंकि ये ज़्यादातर रोड पे चलाने के लिए बनी हुई है, बट ये कैफे रेसर में डाल रखा है। तो ये हार्ली डेविडसन नंबर वन, यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग्स की बैजिंग वगैरह दे रखी है। और ये सस्पेंशन है, इसमें कोई एडजस्टेबल नहीं, वही स्टॉक सस्पेंशन ही है व्हाट आई बिलीव। और मास्टर सिलेंडर वगैरह सब कुछ वही इस्तेमाल किए गए हैं, जो इसके हैंडल है वो भी सेम वही इस्तेमाल किए गए, बस इसको क्लिप ऑन कर दिया गया। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को लगता है। तो कैसी लगी आपको ये व्हीकल? इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो जो ये व्हीकल है इसका जो वीडियो है वो जेस फिल्म ने भी बना रखा है, तो भाई उनके चैनल पे भी ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। और IBW में ये जीत के आई थी। तो बस आप बताओ ये दोनों व्हीकल आपको कैसी लगी, राजपूताना कस्टम्स वाली या फिर आपको बुलेटर्स कस्टम्स वाली, दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? आई पर्सनली लाइक दिस वन, क्योंकि भाई इसको प्रैक्टिकली चला सकते हैं, वो तो फुल टू भाई आप सिर्फ और सिर्फ मड में ही चलाओगे, तो उसका पावर रेशियो होगा ना बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो जाके इन दोनों की वेबसाइट्स पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई देखो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर रखे, ये भी पूरा का पूरा चेंज कर रखे, मतलब कस्टमाइज ही बना रखी है। तो इनका पैसा जो है ना वो मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको वेबसाइट पे पता चलेगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना रहे हो या ऐसे ही बना रहे हो जैसे भी, वो सब कुछ उनके वेबसाइट पे पता चलेगी। बट ये फिजिकली आपको पता चल जाएगा कैसी बनी है।